नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरें। गुजरात, एनसीपी कांग्रेस गठबंधन को झटका। देवगढ़ बारिया सीट से उसके उम्मीदवार ने वापस लिया नाम। इंडोनेशिया में भूकंप से 20 लोगों की मौत, 300 से अधिक घायल। फीफा वर्ल्ड कप में जारी नायक की एंट्री पर भड़के मौलाना यासूब अब्बास, बोले वो आतंकियों का समर्थक। ताजमहल के गार्डन में पढ़ी गई नमाज, हिंदू संगठनों का एएसआई ऑफिस पर प्रदर्शन। 1000 रुपए कर्ज न चुकाने पर दो बच्चों की मां से रेप, आरोपी बोला पुलिस को बताया तो जिंदा जला दूंगा। एसएससी सीजीएल टायर 1 का एडमिट कार्ड जारी, यहां करें डाउनलोड, 1 दिसंबर से होगी परीक्षा। राजस्थान, 13 जिलों के 14 शहरी स्थानीय निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान, 25 नवंबर को होगी वोटिंग। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा, कोई संदेह नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ। महाराष्ट्र के राज्यपाल के बयान पर राष्ट्रपति से एनसीपी करेगी शिकायत। श्रद्धा हत्याकांड, साकेत कोर्ट से आरोपी अफताब के पॉलीग्राफी टेस्ट की मिली इजाजत। ज्ञानव्यापी सर्वे मामला, वाराणसी कोर्ट ने एएसआई से पूछा बगैर शिवलिंग खंडित किए जांच संभव है। दिल्ली एमसीडी चुनाव पर बीजेपी की बड़ी बैठक, जेपी नड्डा सहित कई नेता मौजूद। बिहार, मधुबनी के कोयला डिपो से निकली जहरीली गैस, स्कूल के 7 छात्र हुए बेहोश। किसान से बात करते समय दुख होता है, उनका कर्ज नहीं हो रहा माफ, राहुल गांधी। कतर ने चीन के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस सप्लाई डील की। ई कॉमर्स कंपनियां अब नहीं करवा पाएंगी फेक और पेड रिव्यू, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। सुकेश चंद्रशेखर ने की दूसरी जेल में ट्रांसफर करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में कहा अंडमान जाने को भी तैयार। 8 शहरों में 9 महीने में 5% महंगे हो गए घर, रिपोर्ट्स में दावा। राजीव हत्याकांड, दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाएगी कांग्रेस। सीरिया में कुर्द आतंकवादियों ने शहर पर दागे 5 रॉकेट। बल्लेबाज विधायक आकाश विजयवर्गीय का अजीब बयान, कहा रेप करने वाले के माँ बाप को भी मिले सजा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से पहले बैठक शुरू की। देश के पहले मालिक आदिवासी बीजेपी नहीं चाहती थी कि इनके बच्चे शहरों में रहे, राहुल गांधी। केपी एक्सप्रेस में इतना ही, देखते रहिए केपी न्यूज ताजा खबरों के लिए। धन्यवाद।